हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंडिपेंडेंट डे है। आज के दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। सो बच्चे स्कूल में बना रहे हैं, हम घर में बना रहे हैं। तो हल्का फुल्का नाश्ता मैंने बनाया है बच्चों के टिफिन के लिए। एंजॉय कीजिए अब मेरी रेसिपी। बने रहिएगा मेरे वीडियो पे, फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा। तो बढ़ते हैं अपने रेसिपी की तरफ। ये ले लिए मैंने एक कप, ये कप मैंने ले लेना है आपको, कटोरी ले लेना है। दो कप सूजी ले ली है, एक कप दही ले लिया है। सूजी महीन या मोटी कोई भी आप ले सकते हैं। इसको मिला लेंगे। जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप से हम आधा कप पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पहले खाली इसको सोक करने के लिए हम आधा कप पानी डालेंगे। आप देख लीजिएगा, आप एक कप अगर लेते हैं क्वांटिटी के अनुसार अपना। बाकी देखिए, सोक करने के बाद ये इतनी गाढ़ी हो गई है, सूजी हमारी फूल गई अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। एक कप पानी लेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पहले एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा डालेंगे फिर मिलाएंगे, थोड़ा डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है फ्लोई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गाढ़ी रहनी चाहिए ताकि हम तो स्टीम करें तो ये अच्छे से हो जाए। ये देखिए रेस्ट कर चुकी है। उसके बाद रेस्ट करने के बाद हमने पानी मिलाया, उसके बाद भी इसमें थोड़ी देर हमने इसको रखा है। तो ये अब इसके लिए एक हम ले लेते हैं स्टीम करने के लिए। फ्राई पैन ले लिया, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इधर इनो हमने एक शेषे पूरा पाउच डाल देना है। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी, ज़रा सा एक्टिव होने के लिए। देखिए एक्टिव हो गया है। नमक दोस्तों भूल गए थे, तो थोड़ा सा नमक आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो बाद में भी फ्राई करते समय डाल सकते हैं। इधर देखिए अपने कढ़ाई में पानी लिया है स्टीम के लिए। इधर हमने अपने बर्तन में इसको निकाल लेना है, बर्तन को ग्रीस कर लेना है। जो भी आप कंटेनर लें, जो भी आप बर्तन लें, ग्रीस कर लीजिए ऑयल से। टैप कर लेंगे दो बार। टैप करने के बाद कढ़ाई में इसको रखेंगे स्टीम के लिए। इस तरह से इडली बनाते हैं, इस तरह से ही ढक देंगे। इडली वाले उसमें आपके पास इडली कुकर हो उसमें भी आप बना सकते हैं बच्चों को। मैंने इसी में बनाया था। आगे देखते हैं, इसमें हम आगे चलते हैं चटनी की तरफ। तो हम ग्रीन चटनी बनाएंगे, धनिया और एक हरी मिर्च और एक लहसुन की कली ले लेंगे बस। हल्का सा नमक डालेंगे, नमक मैंने बाद में डाला है, अब बाद में डालिए, पहले डालिए, पीसने के बाद डाला है ताकि ज़्यादा नमक ना हो जाए। थोड़ी सी धनिया थी, थोड़ी सी चटनी बनानी है। तो ये देखिए 2 से 3 4 चम्मच बन गई है अपनी। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, ग्रीन ग्रीन। इस तरह से दोस्तों बना लीजिएगा, ज़्यादा तीखा नहीं कीजिएगा। आगे आप देखेंगे वीडियो में, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आगे देखिए वीडियो में तो आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रही हूँ तीखा मत कीजिएगा, बच्चे तीखा नहीं खा पाते ज़्यादा। इधर हम टमाटर की, आपने सेजवान चटनी खाई होगी, इस तरह से हम पहले गांव में जो चटनी बनाते थे टमाटर लाल मिर्च लहसुन अदरक की, तो उस तरह से हम चटनी बना लेंगे। धनिया गार्निश के लिए रखे हैं दोस्तों। इधर ले लेंगे फ्राई पैन, हमने छोटा सा ले लिया है। इसमें लगा लेंगे थोड़ा सा तेल। तेल हमारा जैसे ही गर्म होगा इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे लहसुन, फिर डालेंगे इधर अदरक के छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए हैं, जो हमने टुकड़ा लिया था छोटा उसके अदरक के टुकड़े कर लिए हैं। इधर लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा इसको हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है,
इसी में टमाटर डाल देंगे। टमाटर को पलट के रखेंगे ताकि ये अच्छे से मॉइस्चर इसका छूटे, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे पहले नमक, आप बाद में भी डाल सकते हैं, हम थोड़ा सा ढक देंगे इसको। इसके बाद थोड़ा सा चुटकी भर या आधा चम्मच, जो भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। ये देखिए हमें इसका छिलका भी दोस्तों निकाल लेते हैं, छिलका निकाल के अलग कर लेंगे। अब थोड़ा सा बॉयल आएगा चटनी में, फिर इसको हम बंद कर देंगे। इधर हमने गैस की फ्लेम कम कर दी है, और इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे चीनी। दोस्तों चीनी के थोड़े से डालें, आप डालने चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी डाली थोड़ी सी। इधर हमारा ये देखिए नाश्ता तैयार हो गया है, स्टीम हो गया अच्छे से। इसको अच्छे से पलट देंगे। ठंडा हो गया, देखिए कितना अच्छा स्पंजी बना है। कट करके देखते हैं, सूजी का है, आप चावल भी इसमें मिक्स कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन बच्चों का हल्का फुल्का सुबह ब्रेकफास्ट जो होता है वो हल्का फुल्का इसी तरह से बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए सॉफ्ट एकदम बने हैं दोस्तों, एकदम जाली हो गई है चटनी हमारी। देखिए ठंडी हो गई है, ठंडी होने के बाद इसको हम मिक्सी के जार में अच्छे से इसको पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से इसको। देखिए पेस्ट बन गया, अब इसको हम एक बाउल में, छोटे बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकालने के बाद हमारी दोनों चटनी तैयार हो गई है, कितना अच्छा कलर आया है दोस्तों। एक चटनी ग्रीन, एक चटनी रेड, और थोड़ा ऑरेंज कलर आ रहा है इसका। ये देखिए दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये देखिए ये हमने कट कर लिए पीसेस छोटे छोटे। अब इनको क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल ले लिया है, थोड़ा सा डालेंगे हम सरसों के दाने, थोड़ा सा डालेंगे सरसों के दाने, और थोड़ा सा डालेंगे जीरा। आप जीरा स्किप कर सकते हैं, कड़ी पत्ता भी आप डाल सकते हैं, मैंने ज़्यादा तीखा मिर्चा और हरी मिर्चा नहीं डाली है। हल्का नाश्ता बनाया बच्चों के लिए, क्योंकि चटनी में लाल मिर्च पड़ी है, लाल वाली में, और ग्रीन वाली में हरी एक मिर्च डाली थी मैंने, तो ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे। चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, इसको हम कढ़ाई में डाल के फ्राई कर लेते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है बच्चों के लिए, बच्चे बहुत मन से खाते हैं ये सब चीज़ें। थोड़ा हट के नाश्ता बनता है तो बच्चे ही इंजॉय करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को। इनको फ्राई कर लेंगे दोस्तों। फ्राई करने के बाद थोड़ा हम इनको तीन जगह पे इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग तीन हिस्सों में इनको निकाल देंगे। मतलब थोड़ा हम कढ़ाई में छोड़ेंगे, बाकी हम थोड़ा इसमें निकाल देंगे ताकि हम उसमें ग्रीन चटनी मिला सकें। ये हमने निकाल दिए हैं, देखिए इधर कढ़ाई में थोड़े थोड़े से जो रह गए हैं दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको मिला लेना है दोस्तों, अलट पलट करके इसको अच्छा सा कलर आ जाए ग्रीन हमारा। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने हल्का डाला था, उतार के भी डाल सकते हैं, गैस की फ्लेम ऑफ करके भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ये चटनी से तो वैसे ही बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। इसी कढ़ाई, सेम कढ़ाई में हमने क्या किया है, तेल नहीं लेना है दोस्तों, उसी कढ़ाई में ही वो लाल वाली चटनी थोड़ी सी डालना डाल देंगे। तो इसको भी ऐसे ही मिला लेंगे, थोड़े से और लेंगे 8-10 पीस, और फिर उसको मिला लेंगे पलट पलट करके। आइए तो प्लेटिंग करते हैं दोस्तों।
आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों को, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बना के देखिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।